बच्चों रघुवंश महाकाव्य का आगे का श्लोक पढ़ेंगे। व्रताय तेनानुचरेण धेनोर नशेधी शेषो अप्य अनुयायी वर्ग न चान्यस्तस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति। अंतिम लाइन सूक्ति है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। व्रताय माने व्रत के लिए, अनुचरेण धेनोह माने धेनु का अनुसरण करने वाले, धेनु की सेवा करने वाले, तेन माने उन राजा के द्वारा, न्यषेधि माने रोक दिया गया, शेषो अप्य अनुयायी वर्ग माने अपने समस्त अनुयायी माने अपने समस्त सेवकों को रोक दिया गया, माने व्रत के लिए नंदिनी गाय का अनुसरण करने वाले उस राजा के द्वारा अपने व्रत की पूर्ति के लिए समस्त अपने सेवकों को अपने साथ आने से रोक दिया गया। न चान्यस्तस्य शरीर रक्षा माने उनके शरीर की रक्षा के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्ववीर गुप्ता ही मनोप्रसूति, मनो माने मनु के वंश में, मनु इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले स्ववीर गुप्ता माने अपने ही वीर से, अपनी ही पराक्रम से अपनी रक्षा करते हैं। आस्वादवद्भि कवलैस्तृणानां कंडूयनैश्च दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः स तस्याः सम्राट समाराधन तत्परो अभूत। स सम्राट माने वह राजा दिलीप आस्वादवद भी माने स्वादिष्ट कवलैस्तृणानां माने घास इत्यादि के कणों को, घास इत्यादि को खिलाकर माने स्वादिष्ट कवर को खिलाकर, कंडूयनैः माने उसको खुजली करके माने यदि गाय को बदन में शरीर में उसके कहीं खुजली होती थी तो उसे वो स्वयं से खुजलाते थे, और दंश निवारणैः यदि कोई कांटे इत्यादि पेड़ से या जंगल में चलते हुए लग जाते थे तो उसका भी वो निवारण स्वयं ही करते थे। अव्याहतैः स्वैर्गतैः स तस्याः सम्राट समाराधन तत्परो अभू, और उसको खुजलाकर और मक्खियों इत्यादि को उड़ाकर स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले जो भी जानवर हैं, मक्खी इत्यादि, उन सबको हटा करके उस नंदिनी गाय को बाधा से मुक्त करके रोक टोक स्वच्छंद विचरण करने देकर, बिना किसी रोक टोक के उसे स्वच्छंद विचरण करने देकर के उसकी सेवा में तत्पर हो गया। माने वह राजा आस्वादवद भी तृणानाम कवलैः माने स्वादिष्ट घासों के कवरों को खिलाते हुए, कंडूयनैः माने गाय की खुजली करते हुए और उसके शरीर में लगे हुए कंटक इत्यादि का निवारण करते हुए, अव्याहतैः स्वैर्गतैः माने समस्त आकाश में उड़ने वाले, वातावरण में उड़ने वाले मक्खी इत्यादि कीड़ों को हटाते हुए, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के उसे भ्रमण के लिए छोड़ करके, विचरण करने दे करके उसकी आराधना में तत्पर हो गया।